हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम की पढ़ाई। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीडरशिप स्टाइल का पार्ट 10, जिसमें हम विक्टर ब्रूम एंड फ्लिप येटेंस का लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके 9 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिफरेंट स्टाइल को डिस्कस किया है। अगर आप वो स्टाइल्स पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉडल। ये मॉडल सबसे पहले इवॉल्व हुआ था 1973 में, और इस मॉडल को दिया था विक्टर ब्रूम एंड फ्लिप येटेन ने। लेटर ऑन 1988 में विक्टर ब्रूम एंड आर्थर जागो ने इस मॉडल को रिवाइज किया। और इसमें क्या रिवीजन हुआ, जब ये मॉडल पहले डेवलप हुआ था उस टाइम पे इस मॉडल में 5 लीडरशिप स्टाइल्स थे एंड 7 कंटिंजेंसीज थी। कंटिंजेंसीज मतलब 7 सिचुएशन जो कि इफ़ेक्ट करती हैं लीडरशिप स्टाइल को। लेटर ऑन जब ये रिवाइज हुआ तो आर्थर जागो ने कुछ और कंटिंजेंसीज, कुछ और सिचुएशंस ऐड कर दिए और टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन हो गया 12। लेकिन जो 5 लीडरशिप स्टाइल जो पहले मॉडल में थे, बाद में वो 5 लीडरशिप स्टाइल वैसे के वैसे ही रहे। अब ये मॉडल है किस बारे में, ये मॉडल रिलेट करता है डिसीजन लीडरशिप बिहेवियर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सबॉर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ये हेल्प करता है एक लीडर को ये डिसाइड करने में कि उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कब, कैसे और किस हद तक इन्वॉल्व करना है। जब भी कोई डिसीजन बनाया जाता है तो मैनेजमेंट स्टाइल और डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर्स 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, क्वालिटी ऑफ डिसीजन। क्वालिटी ऑफ डिसीजन क्या होता है, क्वालिटी डिसीजन हम उसको बोलते हैं जब हम जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है जिसके लिए हम डिसीजन बना रहे हैं, जब हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं और फिर हम डिसीजन बनाते हैं, उसको हम क्वालिटी डिसीजन बोलते हैं। क्योंकि डिसीजन का क्या आउटपुट होगा वो तो डिसीजन इंप्लीमेंट करने के बाद ही आता है, लेकिन क्वालिटी डिसीजन होता है क्योंकि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज करके कोई डिसीजन बनाते हैं तो वो एकदम बेस्ट या क्वालिटी का डिसीजन होता है। इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो डिसीजन आपने बनाया, एम्प्लॉयज को कितना जल्दी उस डिसीजन के साथ एग्री करते हैं, ये होती है एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपका डिसीजन आपके एम्प्लॉयज़ ने ईजली एग्री कर लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहीं पे अगर वो अगेंस्ट हैं आपके डिसीजन के या फिर अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग के डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए आपके पास कितना टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी बहुत क्विक डिसीजन लेना है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से सिंगल हैंडेड डिसीजन लो और उसको इम्प्लीमेंट करो। वेयर एज अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास टाइम है कि आप ईजिली उस चीज़ को डिसाइड करो, डिस्कस करो और फिर डिसीजन लो, मतलब इसमें आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। अब डिसीजन इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इस थ्योरी ने 5 लीडरशिप स्टाइल दिए जो कि लीडर अडॉप्ट कर सकता है डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल था ऑटोक्रेटिक 1। इसमें लीडर के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, मतलब खुद के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस सिचुएशन में लीडर उसी के ऊपर डिसीजन बना लेता है। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक, यानी कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग होता है लीडर का। इसमें वो सबॉर्डिनेट से कोई ओपिनियंस, कोई सजेशन नहीं मांगता, ना ही उनके साथ सिचुएशन डिस्कस करता है। इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी डिसीजन बनाया जाए वो ओपनली
एंड क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया जाए सबॉर्डिनेट्स को। सेकेंड आता है ऑटोक्रेटिक टू। इसमें मैनेजर इंफॉर्मेशन सीक करता है सबॉर्डिनेट से, लेकिन डिसीजन मेकिंग खुद ही करता है। यहाँ पे सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्म किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। किसके बारे में? सिचुएशन के बारे में। तो लीडर उससे सिचुएशन बताकर भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है और बिना बताए भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड ही होती है। नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव वन। यहाँ पे मैनेजर इंडिविजुअली सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है, उनको सिचुएशन बताता है और उनसे इंफॉर्मेशन ले लेता है रिगार्डिंग दैट सिचुएशन, एंड वो सिचुएशन को सबॉर्डिनेट जैसे इवेल्युएट करता है, वो इवेल्युएशन भी ले लेता है। सबॉर्डिनेट्स को अलाउड नहीं होता कि वो ग्रुप में मीट करें, वो इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं लीडर से। एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फिर से सेंट्रलाइज होती है, मतलब कि ओपिनियन और सजेशन लीडर ले सकता है सबॉर्डिनेट्स के, लेकिन अगर वो सजेशन एंड इनपुट अगर लीडर को किसी काम के नहीं लगते और जो लीडर का आउटलुक नहीं चेंज कर पाते उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो लीडर पुट डाउन कर सकता है उनके ओपिनियन को एंड डिसीजन और उनके सजेशन को। फोर्थ वन इज कंसल्टेटिव टू। यहाँ पे लीडर शेयर करता है प्रॉब्लम, ग्रुप में कॉल करता है वो सबॉर्डिनेट्स को। पहले वाले में ग्रुप नहीं था, पहले वाले में इंडिविजुअल था। इसमें क्या होता है, फॉलोअर्स को वो एज अ ग्रुप बुलाता है, उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करता है और उनके आइडियाज़ एंड सजेशंस को लेता है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फिर भी सेंट्रलाइज होती है, मतलब सुनो सबकी और करो, सिर्फ एक सिंगल हैंडेडली आप डिसीजन बनाओगे। यहाँ पे फॉलोअर्स ग्रुप में मिलते हैं, वो डिस्कस करते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो अलग अलग लोग अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लीडर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो भी सकता है सबॉर्डिनेट के ओपिनियन से और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोअर्स इन्वॉल्व होते हैं एज अ ग्रुप जो कि आपको हेल्प कर रहा है, जो कि लीडर को हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग करने में। नेक्स्ट इज ग्रुप टू। यहाँ पे मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट एक ग्रुप में एक साथ बैठते हैं, सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। लीडर एक्सेप्ट करता है डिसीजन, एक्सेप्ट करता है सजेशंस को, आइडियाज़ को, और वो अपने आइडियाज़ को थोपता नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। फिर यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस होती है, यानी कि जो ग्रुप का कंसेंसस होगा उसके बेसिस पे एक डिसीजन जो कि सारे ग्रुप का यूनानिमस डिसीजन होगा, वो डिसीजन फाइनल हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस मॉडल में 7 कंटिनजेंसीज थी पहले और 5 लीडरशिप स्टाइल थे। जब ये रिवाइज हुआ तो कंटिनजेंसीज 12 हो गई और लीडरशिप स्टाइल वही पहले वाले रहे जो कि अभी अभी हमने पढ़े थे। अब हम उन कंटिनजेंसीज को, 12 कंटिनजेंसीज को देखेंगे। इन कंटिनजेंसीज के आंसर ज़्यादातर यस और नो में इम्प्लीमेंट लिए जाते थे और उसके हिसाब से आप लीडरशिप स्टाइल को फिट करते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे पहली कंटिनजेंसी है इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन। अब यहाँ पे देखना होता है कि डिसीजन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या वो एक छोटे लेवल पे इम्पैक्ट करेगा या वो एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करेगा। अगर वो बहुत सारे लोगों पे मेजर इम्पैक्ट होने वाला है उस डिसीजन का, तो बेटर है कि आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए जाएं। अगर आपका डिसीजन बहुत छोटे लेवल पे इम्पैक्ट करेगा तो आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन भी ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग फॉलोअर्स कमिटमेंट टू डिसीजन। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट होता है कि जब आप किसी चीज़ को सही मानते हैं और उसको डिवोट करते हैं अपना लॉट ऑफ टाइम उसको करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो सही है, तो आपको फॉलोअर्स का कमिटमेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि एम्प्लॉय आपके डिसीजन को वेलकम करें, एग्री करें आपके डिसीजंस के साथ। थर्ड, वेदर द लीडर हैज़ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू मेक अ गुड डिसीजन। अब ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन
अगर वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है तो आप एक अच्छा डिसीजन कैसे बनाओगे। तो इसलिए बेटर होता है कि आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी सब लोगों से अच्छे आइडियाज़ एंड सजेशंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप गुड डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप ऑटोक्रेटिक भी फॉलो कर सकते हो उस केस में। हाउ वेल स्ट्रक्चर्ड द प्रॉब्लम इज़, जो प्रॉब्लम है वो कितनी क्लियरली डिफाइंड है, मतलब आपको पता है कि किस एरिया में प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ों की वजह से वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किस किस को इफ़ेक्ट कर रही है, इस प्रॉब्लम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तो आपको उसको एनालाइज करने में कोई इशू नहीं होंगे, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और उतना ही आपकी डिसीजन की क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज वेदर एन ऑटोक्रेटिक डिसीजन वुड रिसीव फॉलोअर्स कमिटमेंट। अगर आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग नहीं करें, आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन कर रहे हैं कि आपने खुद से डिसीजन बनाया और उसको अपने फॉलोअर्स को कमिटमेंट फॉलोअर्स को कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, तो क्या वो फॉलोअर्स उस डिसीजन को फॉलो करेंगे, उसको एग्री करेंगे। नेक्स्ट इज वेदर फॉलोअर्स बाय इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बाय इनटू मतलब बिलीव इन समथिंग, तो क्या आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल में बिलीव करते हैं, दे परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज देयर ओन गोल और नॉट। 7 वेदर देयर इज लाइकली टू बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग फॉलोअर्स ओवर सॉल्यूशन अल्टरनेटिव्स। अगर आपने एक ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को बुलाया है, सबके अपने अपने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो बोले कि नहीं मेरा सजेशन अच्छा है, वो बोले कि मेरा सजेशन अच्छा है, ऐसे करके हम किसी भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उस केस में ग्रुप डिसीजन मेकिंग ना ही हो तो ही अच्छा है। 8th is whether follower have necessary information to make good relation। जब हम group decision making की बात कर रहे हैं तो क्या followers के पास वो सारी information available है जिससे वो एक अच्छा decision furnish कर सकें। 9th is time constraint on the leader that may limit followers involvement। time constraint के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर time कम है तो आप तो फॉलोअर्स की इन्वॉल्वमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि पास आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सबको बुलाओ, प्रॉब्लम कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो और फिर कोई डिसीजन बनाओ। नेक्स्ट इज वेदर कॉस्ट टू ब्रिंग ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड मेंबर टुगेदर इज जस्टिफाई। अगर आप किसी भी सपोज कीजिए किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपकी टीम बैठी हुई है, आप सबको बुला रहे हो टुगेदर टू डिस्कस ऑन दैट प्रॉब्लम, तो क्या जो कॉस्ट इनकर होगी वो जस्टिफाइड है, येस और नो। 11 इम्पॉर्टेंस टू द लीडर फॉर मिनिमाइजिंग द टाइम इट टेक्स टू मेक द डिसीजन। जब भी किसी डिसीजन को बनाने में जो टाइम की मिनिमाइजेशन होती है उसमें लीडर्स का क्या इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज importance of using participation as a tool for developing followers decision skill। जब भी आपको अपने follower के decision making skills enhance करने होते हैं तो क्या participation एक as a tool है, important है कि आप inculcate कर सको decision making skill, क्योंकि जितना आप उनको participate करवाओगे उतनी ही brainstorming होगी और उतने ही उनके decision making skills sharpen होंगे। ये थ्योरी कहती थी कि ये हाईली फ्लेक्सिबल है बिकॉज इसमें लीडर को बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए, जो कि उनके डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, और वो रेंज क्या होते हैं, हाईली डिक्टेटोरियल से डेमोक्रेटिक तक। अदर कंटिजेंसी थ्योरीज में स्ट्रेस, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस को भी कंसिडर किया गया था एज अ सिचुएशनल फैक्टर, लेकिन ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि ये इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं करती। ये मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज एक टिपिकल मैनेजर को रेगुलर बेसिस पे ये 12 कंटिजेंसीज और 5 लीडरशिप स्टाइल को हर वक्त ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रैक्टिकली
रियलाइजेशन नहीं हो पाता इस थ्योरी का। तो ये थे हमारा लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।